ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। बाबा जो करते हैं अच्छा करते हैं, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। बाबा की कृपा जब जिस भक्त पर हो जाती है तो उसका जीवन बहुत ही सुख से भरपूर हो जाता है, और इसी कृपा को पाने के लिए भक्त ललायित रहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे साईनाथ, हम सभी पर दया कीजिए। बाबा, हम आपकी कृपा पाने को आपके दरबार में बैठे हैं, आपकी कृपा पाने को आपको निहार रहे हैं देवा। हम बस इतना चाहते हैं कि आपका साथ सदैव आपके बच्चों के साथ बना रहे, आपकी कृपा सदैव हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे, हम कभी भी आपके इन श्री चरणों से दूर ना हो बाबा, क्योंकि आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हैं। हे देवा, हम जब भी कोई कार्य करते हैं हम बस यही सोच कर करते हैं कि साईं जी का आशीर्वाद होगा तो ये कार्य बेहतर होगा, और जब भी कोई अच्छा कार्य करना होता है, किसी अच्छी जगह पर जाना होता है, तो रास्ते में आई मुश्किलों को तो पार करना ही पड़ता है, इसलिए सब्र रखना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आज ये मुश्किलें चल रही हैं, ये मुश्किलों से गुज़रकर हमें हमारी मंजिल मिलेगी, इन मुश्किलों से गुज़रकर हमारी लाइफ में वो वक्त आएगा जिस वक्त का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि अच्छा पाने के लिए पूरे वक्त का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए घबराना नहीं है, विचलित नहीं हो जाना है कि अरे ये तो क्या मिल रहा है, हम क्या चाहते हैं। कई बार जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, मिलता है थोड़ी देर से मिलता है, इसलिए हमें ज़रूरत है सब्र रखने की, क्योंकि जब हम सब्र रखेंगे तो हमारा मालिक उस वक्त को घटाकर हमें जल्दी ही उस जगह तक पहुंचा देगा जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि ये मुश्किलें, ये रास्ते में आई कठिनाइयां, ये उसी प्रकार है जिस तरह हमारे पिता की डांट होती है। जब माता पिता हमें डांटते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे ये तो जब देखो हमें डांटते रहते हैं, हमारी गलती नहीं है तब भी हमें गलत बोलते रहते हैं, अरे हमने गलत किया ही क्या है, सही तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमें फिर भी डांटते हैं कि तुमने ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो ये मुश्किलें हमारे पिता की डांट हैं, हमारे भगवान की डांट हैं कि तुम्हें इस तरह से नहीं ऐसे चलना है, अब इनको भी पार करो और आगे बढ़ो, इतनी जल्दी मंजिल मिल जाएगी तो आपको कदर नहीं होगी उस चीज़ की। जब मुश्किलों से पार करके किसी चीज़ को पाया जाता है तो वो चीज़ बहुत संभाल कर रखी जाती है कि मैंने इसके लिए बहुत कष्ट झेला है, मैंने इसके लिए बहुत बहुत मेहनत करी है, क्योंकि जिस कार्य के लिए मेहनत की जाती है वो कार्य भी अच्छा होता है, और आपको उसका जो अनुभव मिला होता है रास्ते में, आप उसे भी लोगों से शेयर करते हैं कि मैंने इतनी कठिनाइयों के बाद इस चीज़ को पाया है और ये मेरे लिए बहुत कीमती है। आपने देखा होगा ना, कई बार कुछ लोगों को वो किसी चीज़ की कदर नहीं करते, वो किसी चीज़ को उतनी वैल्यू नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो बहुत उनको आसानी से मिल जाती है, उन्हें उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन कद्र की गई चीज़ बहुत अच्छी होती है। आप जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा कद्र करोगे वो आपके पास उतने ही लंबे समय तक रहेगी। आपने सुना होगा ना, क्यों कहते हैं कि वक्त की कद्र करो, वक्त के अनुसार चलो, नहीं तो वक्त निकल गया तो वापस लौट कर कभी नहीं आता। एक बार जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई, मालूम नहीं वो वापस आएगी भी कि नहीं आएगी, इसलिए जब आपके हाथ में है तभी उसको कस कर बांध लीजिए, उसको इतनी टाइटली अपने पास रखिए कि वो कहीं जा ही ना पाए। टाइटली जोश से नहीं, प्यार से, मेहनत से, लगन से, क्योंकि बांध कर रखी गई चीज़ फिर भी छोड़कर जा सकती है, लेकिन प्यार से बंधी हुई चीज़ कभी छोड़कर नहीं जाती, वो आपके प्यार में बंध जाती है। इसीलिए कभी भी ना घबराइए कि रास्ते में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ, वो कठिनाइयाँ नहीं है, वो उनकी डांट है, वो उनका प्यार है जो आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको एक अच्छे स्तर पर खड़ा करने के लिए आपको वो इतनी मेहनत दे रहे हैं, इतना काम दे रहे हैं कि तुम करोगे तभी तुम निखर जाओगे। आप आज कर लोगे आपका कल बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी से उम्मीद रखने पर कुछ नहीं मिलता, आप लोगों को संतुष्ट करते करते हार जाओगे।
सब कुछ चला जाएगा लेकिन लोग संतुष्ट नहीं होते, लोग फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल देते कि अरे तुम में तो ये दिक्कत थी। और अगर परमपिता परमात्मा को संतुष्ट करने में लग गए ना, तो वो आपको संतुष्ट कर देंगे, वो आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, क्योंकि उनको दिया गया वक्त कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो कहते हैं तुम मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कर्म ही पूजा है। जब आप कर्म करते हो, लगन से मेहनत से करते हो, तो भगवान आपकी मेहनत को देखकर उसका फल ज़रूर देते हैं। पूजा नहीं कर सकते आप देर तक, कोई बात नहीं, कुछ एक ऐसी चीज़ कीजिए जो भगवान के सामने आप 5 मिनट बैठ भी जाएं और बाकी अपने कार्य भी करें। बस कभी किसी का दिल ना दुखे हमारी वजह से, हमें इसका ध्यान देना है। हमें अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, हमारे शब्द ऐसे हों जो किसी को दुख ना पहुँचाएँ, हमारे शब्द ऐसे हों जो किसी के लिए किसी की आँख में आंसू ना ला दें। अच्छा करना है, क्योंकि अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये सब एक बार लौट कर आता है, और जब अपने पास लौट कर आए तो हम उसको सहन कर सकें। ऐसा ही हमें बोलना है कि हमें वो बुरा ना लगे कि अरे ये कैसे हमसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा, अरे अच्छी बात है ना, अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। जैसे हमें अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, वैसे सामने वाले को भी जब अच्छा देंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो, भले सामने वाले को पसंद आए ना आए, लेकिन आपकी जो अंतरात्मा होती है वो कहती है हाँ यार तूने अच्छा काम किया है। अपने आप को कभी ये नहीं होना चाहिए अरे मैंने गलती कर दी। अपने आप से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले ने नहीं समझा तो नहीं समझा, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए, कभी भी झुकना पड़े तो झुक जाइए, क्योंकि आपको आगे चल के ये फील नहीं होगा कि यार कम से कम एक कोशिश हम ही कर लेते तो बच जाता शायद रिश्ता। हमने वो कोशिश पूरी करी, सामने वाले से नहीं हुआ तो हम क्या करें। अपने आप को संतुष्ट रखिए, अपने भगवान की कृपा के अनुसार चलते रहिए, सब कुछ लाइफ में बेहतर होगा। तो अपने बाबा से आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं आज का दिन। आज का दिन बहुत बेहतरीन है, आपकी लाइफ सफलता की ओर जा रही है, हम सभी सफल हो रहे हैं अपने जीवन में, अपने हर कार्य में। हमारे जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि है, हमारा परिवार खुशियों से भरपूर है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होता रहता है। हमारा जीवन हमारे साईं के चरणों में है तो वो एकदम बहुत सारी कृपा से भरपूर है बाबा की। हम एक स्वस्थ हैं, एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और हम अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं बाबा की कृपा से, नेक कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। और मेरे बाबा की इतनी कृपा और उनके आशीर्वाद के लिए मेरे साईं जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। थैंक यू सो मच बाबा जी, एंड थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली का, जो हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, जो हर रोज़ हमारे साथ मिलकर दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। साईं जी आप सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आप सभी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सभी का भला हो मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। आप दूसरों का भला सोचते रहिए, आपको अपने लिए मांगने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ये साईं है हमारा, ये भगवान है हमारा, ये सब देख रहा है। जो दुनिया में कोई भी नहीं देख रहा वो साईं जी देख रहे हैं। इसलिए भरोसा रखिए अपने मालिक पर, उसके घर पे देर है वो आपको दुखी कभी नहीं करेगा। बस चलते रहिए इनकी रास्तों पर, इनकी राहों पर, मंजिल तो बाबा नज़दीक ला ही रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए आइए मेरे साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन, और 11 वचनों के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। जो भी सच्चे दिल से 11 वचनों का पाठ करता है या पढ़ता है, उन्हें एक एनर्जी मिलती है प्रभु की तरफ से, एक शक्ति मिलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा कि 11 वचनों में बाबा ने यही कहा हुआ है, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको उनके वचनों की एक फीलिंग आएगी, आप फील करोगे कि स्वयं बाबा ही मुझे समझा रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो आइए पढ़िए मिलकर श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। आप सभी का जीवन सुख से भरपूर हो। आप सभी की लाइफ का हर एक पल बहुत बेहतरीन हो, खुशियों से भरपूर हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि जिनकी सेहत अच्छी नहीं है वो सेहतमंद हो जाएं। जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बस हर रोज़ अपने मालिक से प्रार्थना करते रहिए, उनकी कृपा पाते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।